हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो और सब बढ़िया दोस्तों, हम तो बस यही चाहेंगे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भूटान देश के बारे में। भारत का पड़ोसी देश भूटान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो इस देश को खास बनाते हैं। उन्हीं जगहों में से एक है हजारों फीट ऊंचे चट्टान पे बना बौद्ध मठ, जिसे टाइगर नेस्ट मठ कहा जाता है। टाइगर नेस्ट मठ आज पूरी दुनिया में भूटान की पहचान है। ये भूटान के सबसे पवित्र बौद्ध मठों में से एक है। ये स्थान 3000 फीट ऊंचे चट्टान पे बना हुआ है। ये मठ एक पहाड़ की चोटी पर बना है। इस मठ को 1692 में बनाया गया था। ये मठ भूटान की राजधानी थिम्पू से कुछ घंटों की दूरी पर है। ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का विशेष स्थान है और यहाँ इनकी दैनिक गतिविधियों को करीब से देखा जा सकता है। दोस्तों भूटान एक संस्कृत शब्द भूतांत से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तिब्बत का अंत। सब बताएंगे आपको आज, बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ना टकटकी लगाकर एकदम लास्ट तक देखना है, ठीक है। लेकिन ब्रो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बताए ना आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ सबसे जरूरी काम बगल वाली घंटी को भी दबाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। वे किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू है, जो भूटान के पश्चिम केंद्रीय भाग में स्थित है, और ये भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। थिम्फू पहले थिम्बू नाम से जाना जाता था। भूटान ज्यादातर पहाड़ी भूमि पर स्थित है। टू, भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसके उत्तरी क्षेत्र में ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी कुला कांगरी है, जिसपे अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। भूटान का 60-70% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। क्या आप जानते हैं यहाँ के अधिकतर लोग खेती पे ही निर्भर हैं, और यहाँ के लोग हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि धरती पे 60% जंगल होना जरूरी है। दोस्तों ये तो बड़ी अच्छी बात है। 3, भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वहीं इसका नाम द्रक यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो ये है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक यूल कहते हैं, जिसका मतलब बर्फीले ड्रैगन का घर होता है। अच्छा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में सन 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पूर्ण पाबंदी थी। सन 1974 में पहले विदेशी पर्यटकों को घूमने की आजादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। दोस्तों भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है, इसके पास वायुसेना भी नहीं है, और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। 6, टीवी और इंटरनेट पर बैन। हाँ आपने सही सुना, भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट प्रतिबंधित था। 7, भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने साल 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। वहीं शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं, और कई लिहाज से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियां वहां सन 1999 से ही प्रतिबंधित हैं, और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ समलैंगिकता भी गैर कानूनी है, वहीं बहुविवाह प्रतिबंधित नहीं है। 8, भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। मानिए आप दिल्ली घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट न मिले, तो भाई आपका रिएक्शन क्या होगा? खैर जो भी हो, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ऐसा ही है। वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं। हालांकि एक समय में यहाँ सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इनको हटा दिया गया। दोस्तों आपका वैसे क्या विचार है इसके बारे में? 10, भूटान जीवन के स्तर को सकल राष्ट्रीय खुशी यानी GNH से नापता है, न कि सकल घरेलू उत्पाद GDP से। सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार हैं, और GDP के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। तो भाई ये थे भूटान देश के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ब्रो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।